हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट। फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे बाद में कि हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज हम लोग कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, एक चार्ज कंडक्टिंग सीट है आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज क्या आपका प्लस क्यू। दिस इज द चार्ज कंडक्टिंग सीट। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि आपके पास इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे आपके इसके ये जो कंडक्टिंग सीट है इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो ये कंडक्टिंग सीट है तो नेट चार्ज इनसाइड द फील्ड इनसाइड द सीट क्या होगा, जीरो। बिकॉज दिस इज कंडक्टिंग सीट तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सीट क्या होती है आपके, जीरो। ठीक है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा सीट के। चार्ज कहां पे होगा, ओनली सरफेस ऑफ द सीट। ठीक है, चार्ज ओनली लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सीट, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सीट। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, सरफेस पे चार्ज ओनली। मैं एक साइड दिखा दू, ये ऐसे, दिस इज द चार्ज ओनली सरफेस। ये सरफेस तो दोनों साइड है ना, इस तरह, इसलिए चार्ज सिर्फ कहां पे है आपके, सरफेस पे सीट के। चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सीट, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सरफेस सीट। साइड सीट के अंदर कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे नेट चार्ज भी क्या है, जीरो। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी सीट के अंदर क्या होती है आपकी, जीरो। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे वर्ड बोला है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, किसके आसपास कोई दूसरा चार्ज इस सीट के आसपास यहाँ पे नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हेयर आइसोलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये एक पी पॉइंट मान लिया आपने कंडक्टिंग सीट में। हेयर वी कंसिडर द पॉइंट पी। ये एक पी पॉइंट मान लिया इसके बीच में यहाँ पे। यहाँ पे क्या निकालनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट पी वन यहाँ मान लो, एक पॉइंट पी टू यहाँ मान लो। ठीक है, यहाँ पे मान लिया पी थ्री मान लो। ठीक है, पी वन पी टू पी थ्री पॉइंट्स पे आप सीट के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, पी वन पॉइंट पे ये एक सरफेस वन है, ये सरफेस टू है सीट का। तो इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन इधर हो जाएगी इस पी पॉइंट पे। ठीक है, और ई टू भी इधर ही हो जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी ई वन और ई टू। इस बीच वाले पॉइंट पे पी थ्री पे इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ई टू, और इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, इधर हो जाएगी ई वन। ठीक है, अब तीनों सरफेस पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, P1 सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 कितनी हो जाएगी आपके पास, P1 पे E1 प्लस E2, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट कितनी होती है, ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन जाएगा, ये सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कितना बन जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों सरफेस के कारण यही आ जाएगी। अब ये पी टू भी यही हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन रिजल्टेंट ऐड हो जाएगी, तो वो भी कितनी आ जाएगी आपकी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन पी टू के ऊपर। अब पी थ्री पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी थ्री, देखो ई वन तो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और ई टू किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस का ई टू। ठीक है, तो रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी यहाँ पे, जीरो, क्योंकि सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो P3 पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड क्या मिल जाएगी आपको, जीरो। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, जीरो। ठीक है, तो इस तरह से आपने कंडक्टिंग सीट के कारण तीनों रीजन में क्या फाइंड आउट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये हो गया आपके पास, लिख लीजिए फटाफट जल्दी से, फास्ट क्वेश्चन को लिखिए, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं इसी कंसेप्ट से रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखती हूँ एक बार बोर्ड पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आइसोलेटेड प्रूव दैट द आइसोलेटेड लार्ज कंडक्टिंग शीट इज गिवन ए चार्ज, प्रूव इफ, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ बोर्ड पे, प्रूव इफ एंड isolated, if an isolated large conducting isolated large conducting sheet is given a charge, q, then the charge distributes equally, then the charge distributes equally on its two surface, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए कि दोनों सरफेसेस में चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इक्वली होगा। मान लो एक सीट है, इस पे चार्ज क्या दिया आपने q, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये, प्रूव दैट आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट इज गिवन ए चार्ज q, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन इट्स टू सरफेसेस। मैं कह रहा एक सीट है कंडक्टिंग, आइसोलेटेड मैं बता सकती हूं, आइसोलेटेड का मतलब उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज यहां पे नहीं है, तो इसको चार्ज क्या दे रहा है q, तो कह रहा है कि इन दोनों सरफेस में, इसका एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, और टोटल सीट के ऊपर चार्ज कितना है q, तो कह रहा है कि दोनों सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लिया कि इसके q by 2 है, तो इस पे भी कितना होगा q by 2, दोनों सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये बात आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो कंडक्टिंग सीट है आपके पास, तो चार्ज सिर्फ कहां होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द सीट, ऑन द सरफेस ऑफ द सीट, ठीक है। ये कोई पी पॉइंट मान लो यहाँ पे, तो मान लिया ये टोटल चार्ज कितना है क्यू, मान लिया आपने कि ये टू जो सरफेस है यहाँ पे चार्ज कितना एक्स, तो इधर वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा क्यू माइनस एक्स, लेट क्यू टू सरफेस हैविंग हैव चार्ज एक्स, देन ऑन वन सरफेस चार्ज कितना हो जाएगा क्यू माइनस एक्स। Now, electric field at the point P. इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इधर हो जाएगी E2, और इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P E1 इधर हो जाएगी, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P क्या होगी, जीरो इनसाइड द कंडक्टिंग सेल, इनसाइड द कंडक्टिंग सीट, इनसाइड द कंडक्टिंग सीट, सीट के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, ठीक है बेटा। तो क्या बन जाएगा ईपी की वैल्यू यहां से, E1 माइनस E2, ठीक है। E1 क्या है आपके पास, यहां से पहले E1 को लिखते हैं, E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज सीट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सीट कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सीट, ठीक है। तो ये आपके पास इस सीट के कारण E1 की वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, देखो यहीं पे लिख लो, सिग्मा क्या लिख सकते हो, क्यू बाई ए, क्योंकि मुझे सिग्मा नहीं दे रखी, क्या दे रखा, चार्ज दे रखा दोनों सरफेस पे, दोनों सरफेस पे किसकी बात कर रहा है वो, चार्ज की। तो क्या बन जाएगा बेटा E1 क्या बन जाएगा, क्यू चार्ज कितना, क्यू माइनस एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या बन जाएगा इंटू ए, एक्स अपॉन में 2a एप्सिलॉन, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, एक सरफेस पे चार्ज x मान लिया, तो मैं दूसरे चार्ज पे सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा q माइनस x हो जाएगा, ओके बेटा। तो अब यहाँ पे E1 और E2 निकल जाएगी दोनों सरफेस पे, अब इन दोनों के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एट द पॉइंट P, तो कितनी बन जाएगी आपके पास E@P, E1 माइनस E2, E1 कितना है q माइनस x 2 एप्सिलॉन नॉट a माइनस E2 कितना है x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट,
तो ईपी वैल्यू क्या आपकी जीरो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्या होगी जीरो होगी। पिछली प्रॉपर्टी में करवाया पिछले क्वेश्चन में कि इनसाइड द कंडक्टिंग शीट ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगी जीरो क्यू माइनस एच टू एप्सिलॉन नॉट ए माइनस टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब यहां से इसको सोल्व करिए, इधर से लिख लिया इधर से हटा देते, क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। नेक्स्ट देखिए तो क्या बन जाएगा q माइनस एक्स टू ए एप्सिलॉन नॉट ए बराबर x बराबर टू ए एप्सिलॉन नॉट ए, इसको इधर ही आई एक साइड में तो माइनस का प्लस हो जाएगा, टू ए एप्सिलॉन नॉट से टू ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q बराबर q माइनस एक्स बराबर x, तो q किसके बराबर हो गया टू एक्स के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी q बाई टू, ठीक है। तो एक सरफेस पे चार्ज कितना हो गया q बाई टू, ठीक है। दूसरे सरफेस पे चार्ज कितना था q माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा q माइनस q बाई टू, तो उस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा q बाई टू, ठीक है। तो आपने क्या मान लिख लिया होगा इधर से, तो आपने क्या माना था ये एक कंडक्टिंग सीट थी, इस पर टोटल चार्ज q दे रखा था, आपसे कह रहा था बताइए कि दोनों के सरफेस पे चार्ज कितना होगा। तो यहां से क्या समझ आया कि दोनों सरफेसेस पे इक्वली चार्ज क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दोनों सरफेसेस पे इक्वली चार्ज क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड। इधर क्या माना था आपने q माइनस एक्स और इधर क्या माना था आपने x, तो x बराबर q बाई टू, तो q माइनस एक्स भी कितना हो गया q बाई टू, ठीक है। तो एक कंडक्टिंग सीट थी, उसके क्या प्रूव करना था कि इन दोनों कंडक्टिंग सीट के दोनों सरफेसेस पे चार्ज क्या होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये बात आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हो गया ये क्वेश्चन सबका, देख लो एक बार फटाफट पॉज करके लिख लो। अगला एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगला क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ उस क्वेश्चन को। इफ एन आइसोलेटेड प्लेट हैविंग द सरफेस हैविंग द चार्ज Q1 एंड Q2, क्वेश्चन दे दिया, लिख लो आप अपनी लैंग्वेज में। इफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट हैविंग द चार्जेस ऑन द सरफेसेस Q1 एंड Q2, एक कंडक्टिंग सीट है उसके दोनों सरफेसेस पे चार्ज कितना रखा Q1 और Q2, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको एट द पॉइंट पी पे। तो देखिए इस Q1 के कारण ये सरफेस क्या कह दो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह दो, या इधर Q1 मान दो इधर Q1 मान लो इधर Q2 मान लो, तो E1 भी इधर होगी और आपकी E2 भी इधर ही होगी P पॉइंट पे, ठीक है। अरे E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन P पॉइंट में इधर ही होगी, तो रिजल्टेंट फील्ड एट P क्या बन जाएगी E1 प्लस में E2। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, एक कंडक्टिंग सीट है और क्वेश्चन में दे रहे हैं कि उसके दोनों सरफेस पे चार्ज दे रखा है Q1 और Q2, पूछ रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट है P, तो EP की वैल्यू E1 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सीट क्या होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सीट क्या होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सीट के कारण, ये पीछे करवा चुकी E C, तो सिग्मा क्या लिख सकते हो Q बाय ए टू एप्सिलॉन पुट कर दो, ये E1 की वैल्यू क्या बन जाएगी Q1 अपॉन टू ए एप्सिलॉन, ए भी द एरिया ऑफ द सीट मान लेंगे, E2 क्या बन जाएगी Q2 अपॉन में टू ए एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। तो अब यहां से क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 E is equals to E1 plus E2 Q1 by 2A epsilon naught plus Q2 by 2A epsilon naught, क्या बन जाएगा Q1 plus Q2 upon में 2A epsilon naught, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट द पॉइंट P, दिस इज योर क्वेश्चन, समझ आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, दो सरफेसेस पे चार्ज दे रहा था किसी पॉइंट P पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे यहाँ पे पूछ रहा था, ठीक है। तो दोनों सरफेस के कारण डायरेक्शन देख लो P पॉइंट पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रख दो, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता है Q by 2A epsilon naught, हो गया ठीक है, कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है और उसकी प्रॉपर्टी क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी हमें बार बार आईआईटी के न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, इसलिए क्वेश्चन की मैं कंप्लीट लैंग्वेज लिख रही हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, टू कंडक्टिंग सीट प्लेट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ए इज गिवन ए चार्ज क्यू वन, ए इज गिवन ए चार्ज क्यू वन एंड बी इज गिवन ए चार्ज क्यू टू। ठीक है, प्रूव दैट चार्ज ऑन द इनर सर्फेसिस आर, प्रूव दैट चार्ज ऑन द इनर सर्फेसिस आर, इनर सर्फेसिस आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, इनर सर्फेसिस आर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, एंड अपोजिट साइन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, टू कंडक्टिंग प्लेट्स ए एंड बी आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ए इज गिवन ए चार्ज क्यू वन एंड बी इज गिवन ए चार्ज क्यू टू। ठीक है, प्रूव दैट द चार्ज ऑन द इनर सरफेस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इज साइन, दो पैरेलल आपके पास सीट दे दी। ठीक है, एक सीट है आपकी क्यू वन जिस पे चार्ज, ये वन सीट मान लो, ये टू सीट, इस पे चार्ज वो Q1 दे रहा है और इस सीट पे चार्ज कितना आपका Q2 है, और दोनों एक दूसरे के क्या रखी हुई है पैरेलल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये प्रूव करिए कि ये जो दोनों सीट रखी हुई है ना, ठीक है, इनके दोनों सरफेस पे चार्ज कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट। मान लिया इसके आमने सामने जो सरफेस है, जो इन सीट्स के आमने सामने सरफेस है, उनके दोनों सरफेस पे चार्ज कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बार बार यूज करेंगे, तो ये तो मान लीजिए इस पे पॉजिटिव है, इस पे कैसा आएगा नेगेटिव, अगर ये प्लस का क्यू होगा तो ये कैसा होगा माइनस का क्यू होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब प्रूव भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, मान लिया कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, तो कंडक्टिंग सीट है तो दोनों के पी पॉइंट पे या अंदर दोनों का पी वन और पी टू पॉइंट मान लू, इन दोनों पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी जीरो। इफ दिस इज अ कंडक्टिंग प्लेट देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड द सीट हमेशा क्या होगी जीरो। ठीक है, अब मान लिया आपने इन दोनों के कारण एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लो, ये ए बी सी डी, लेट अस कंसीडर द गॉसियन सरफेस ए बी सी डी, लेट अस कंसीडर गॉसियन सरफेस बिटवीन द सीट ए बी सी डी। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऊपर वाले सरफेस की काम मान, तो दो सरफेस है ना, इस पे चार्ज क्या प्लस का क्यू, इस पे भी क्या कह रहा है प्लस का क्यू टू, हमें नहीं पता कितना कितना है, लेकिन मान लिया किसी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मानते हो, किसी एक सरफेस के कारण, दोनों के कारण मानो तो इसके कारण इधर हो जाएगी, लेकिन दोनों ही केस में एरिया वेक्टर किधर होगा आउटवर्ड, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया आपके पास इधर वाई एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है वाई एक्सिस में, तो एरिया वेक्टर इसके क्या होगा नॉर्मल, एरिया वेक्टर इसके क्या होगा नॉर्मल, नॉर्मल में उसको इधर ऐसे दिखा रही हूँ नॉर्मल को, एरिया इसका आउटवर्ड ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर प्लेन कैसे आएगा देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो या तो ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, कोई से भी सरफेस की कारण मान लो,
मान लिया ऊपर वाले का मान तो नीचे आ गया, नीचे वाले की काम होगी तो ऊपर, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो देखो इस फील्ड के साथ एंगल, ये एंगल कितना बनाएगा मिश 90 डिग्री ना, ठीक है। तो थीटा एंगल क्या बना एरिया वेक्टर, तो थीटा एंगल क्या बनेगा आपका जीरो, थीटा एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा इन दोनों सरफेसेस पे, ठीक है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या बन जाएगी जीरो। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी तो उसके कारण जो चार्जेस होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो समझ आया नहीं आया समझ, देखो मैं करती हूँ इस चीज को। ये गॉसियन सरफेस मान लिया, एरिया वेक्टर क्या बना रहा है एंगल, इस सरफेस पे चार्ज मान लिया एक्स है और इस सरफेस पे चार्ज मान लिया कितना आपका वाई है, ये दो सरफेस है ना आमने सामने, टोटल चार्ज तो कितना है आपके पास उधर वाले पे कितना बच जाएगा क्यू माइनस एक्स, वो तो हम पहले बात पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ इन दोनों सरफेस की बात करनी है अभी, ठीक है। तो इस सरफेस पे मान लिया एक्स चार्ज है तो इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना आपका वाई, ठीक है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस अपॉन में इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखिए ई डी एस आपके पास ये वैल्यू क्या बन गई आपकी जीरो, क्योंकि थीटा कितना 90 डिग्री, तो फ्लक्स फाई क्या बन जाएगा आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए फाई क्या, फाई बराबर क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड टोटल चार्ज कितना इस गॉसियन सरफेस में टोटल दोनों सरफेस का सम, तो एक सरफेस पे चार्ज कितना एक्स और एक सरफेस पे चार्ज कितना वाई, ये गॉसियन सरफेस आप पूरी प्लेट पे मान सकते हो यहां तक आगे तक कोई बड़ी बात नहीं। फिर मैं इतने से सरफेस के लिए मान लेंगे इस सरफेस पे कितना एक्स चार्ज, इस सरफेस पे कितना आपका वाई चार्ज, ठीक है। तो बराबर जीरो, तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, क्योंकि फ्लक्स क्या है जीरो, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा 90 डिग्री, तो फ्लक्स क्या बन गया आपका जीरो। लेकिन टोटल चार्ज अनक्लोज कितना बना एक्स प्लस वाई, दोनों सरफेसेस के द्वारा टोटल चार्ज कितना अनक्लोज हुआ, उसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो क्या बना एक्स बराबर माइनस वाई। तो एक पे अगर पॉजिटिव एक्स होगा तो दूसरे सरफेस पे कितना आ जाएगा ये माइनस का, ये प्लस एक्स है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का एक्स या माइनस का वाई, तो एक दूसरे से क्या होंगे वो अपोजिट होंगे, क्योंकि x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी माइनस के y के बराबर। क्लियर हुआ? तो एक पे चार्ज कैसा पॉजिटिव तो दूसरे पे चार्ज कैसा है नेगेटिव। फिर से समझ लो, डाउटफुल कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं सिंपल सी दो सीट मान ली, ठीक है। एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज क्या आपका Q2 है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक सरफेस पे चार्ज इधर x है आपके पास, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लो कि सीट के कारण, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे होगी, तो इन दोनों बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस ऑलवेज जीरो, तो टोटल चार्ज क्या बनेगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में जितना चार्ज है कितना एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आया माइनस वाई के। अगर मान लिया यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, जब भी कंडक्टिंग सीट होगी तो आपके पास अगर एक सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे सरफेस के सामने वाले सरफेस पे हमेशा क्या होगा चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर एक्स होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। क्लियर, ये प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है, प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, बस प्रॉपर्टी को जरूर याद रखना, पर मैंने समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। अब तक मैंने जितने ये क्वेश्चन करवाए हैं ना आपको कंडक्टिंग सीट के, ये सारे क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं और इनका हम लोग अलग अलग क्वेश्चन में क्या करते हैं यूज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटलिक सीट इज हैविंग द सरफेस एरिया ए एंड चार्ज Q1 एंड Q2, ये कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटलिक सीट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो, दे रहा है टू आइडेंटिकल मेटलिक सीट हैविंग द चार्ज, देर आर टू आइडेंटिकल, देर आर टू आइडेंटिकल मेटलिक सीट, देर आर टू आइडेंटिकल मेटलिक सीट हैविंग द चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। देर आर टू आइडेंटिकल मेटलिक सीट हैविंग द चार्ज Q1 एंड Q2, मैं स्मॉल लिख देती हूँ Q1 एंड Q2, ठीक है। ये इसकी सरफेस है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन ने पूछा है
फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द सरफेस, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द सरफेस। देखो अभी मैं इसको लॉन्ग मेथड से करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को, पर हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ये मेथड सिर्फ आपको समझने के लिए है। फिर उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इन क्वेश्चंस को करने की, कि नंबर ऑफ शीट्स हो तो हम कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो मान लिया आपके पास ये चार्ज कितना है, आपके इस सरफेस पे चार्ज कितना है आपका क्यू वन, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना आया एक्स, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा क्यू वन माइनस का एक्स हो जाएगा। अरे बोलो बात समझ आई, कि अगर एक सरफेस पे चार्ज एक्स है तो अभी तो बात करें कि उसकी अपोजिट सरफेस पे कितना हो जाएगा आपके पास क्यू माइनस का एक्स हो जाएगा यहां से। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो, अगर इस सरफेस पे चार्ज कितना आया आपका एक्स, तो इस वाले सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा माइनस एक्स। अभी बताया था अगर दो सीट एक दूसरे के पैरेलल है, दो सीट एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस सरफेस पे इक्वल अमाउंट में कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस एक्स, अगर यहाँ पे प्लस का एक्स चार्ज आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का एक्स। इसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा क्यू टू माइनस माइनस एक्स, कितना हो जाएगा क्यू टू प्लस एक्स। ठीक है, तो सारे सरफेस पे चार्ज डिफाइन हो गया आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस सरफेस पे चार्ज कैसा हुआ आपका पॉजिटिव। ठीक है, इस सरफेस पे भी चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव, और इस सरफेस पे चार्ज कैसा है पॉजिटिव। ठीक है, और इस सरफेस पे चार्ज कैसा है आपका नेगेटिव, और इस सरफेस पे चार्ज कैसा है आपका पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे कैसा है आपका ये नेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट, ड्यू टू सीट कितनी होती है भाई, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होती है प्लेन सीट के कारण, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सिग्मा को क्या लिख सकते हो क्यू बाय ए टू एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हो, तो इसी का यूज करेंगे। तो देखो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप यहां किसी भी पॉइंट पे बात करें इन बिटवीन द सीट्स, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इसके प्लस के कारण ई वन इधर होगा, ठीक है, इस प्लस के कारण बी ई टू इधर होगा आपके पास। बिटवीन द सीट्स बात कर लेते हैं पहले, बिटवीन द सीट से निकल जाएगा ये, कोई पॉइंट पी मान लो बिटवीन द सीट्स। ठीक है, इक्वेशन में कह भी रखा है कि बिटवीन द सीट्स मैं इधर निकाल दू, तो आपके पास ये चार्ज है प्लस का, तो इसके कारण ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ई टू के कारण, E2 के कारण भी इधर होगी और E1 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। ठीक है, और आपके पास ये जो सरफेस है E3, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और E4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर हो जाएगी। देखो मैंने जो डायरेक्शन ली है वो अकॉर्डिंग टू चार्जेस ली है, कि किसकी डायरेक्शन किधर जाएगी। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन देख लेते हैं अब आप लोग। तो इस पी पॉइंट पे अगर आप निकालते हैं तो बेटा यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा पाई टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो उससे तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मत मानो, ऐसे मानो क्योंकि कंडक्टिंग सीट पे कोई पॉइंट पी ले लो, यहाँ पे कहा मानो क्योंकि कंडक्टिंग सीट पे हमें पता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिया। ये मैं सोचना मैंने क्यों लिया ऐसा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, नंबर ऑफ सीट हो जाएगी। तो लेकिन हमें यह पता है कि इनसाइड द कनेक्टिंग सीट नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, या तो इस पी को सीट, इस सीट के अंदर मान लो या इस सीट के अंदर मान लो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इस ई वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे इधर आ जाएगी, ठीक है, और इस ई टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस पी पॉइंट पे, थोड़ा इजी पड़ जाएगा और कुछ नहीं है, इजी पड़ जाएगी प्रॉब्लम। इस माइनस के कारण निकालोगे इस पी पॉइंट पे, तो माइनस के कारण इस माइनस के कारण इस पी पॉइंट पे, तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी ई थ्री की पी पॉइंट पे, व्हाट्स द चार्ज, इस प्लस के कारण निकालोगे पी पॉइंट पे तो इधर होगी ई फोर आउटवर्ड, ठीक है, इस पी पॉइंट पे इधर, समझ आया, तो इस पी पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या क्या बनेगी, देखो E1 और E3 एक डायरेक्शन में है ना,
में माइनस ए टू माइनस ए फोर बराबर जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ठीक है, क्योंकि ई पी रिजल्टेंट लिख लेना, क्योंकि बिकॉज मैं लिख देती हूँ बिकॉज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगी, जीरो, इनसाइड द कंडक्टिंग शीट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट जीरो, इसलिए मैंने इसको किसके बराबर रख दिया, जीरो, इसलिए मैंने इस पॉइंट पी को यहाँ की बजाय यहाँ मान लिया, यहाँ पे मानूंगा तो आ तो आ जाएगा आंसर तो आ जाएगा, फिर ये पहले इतना लॉन्ग मैथड और लॉन्ग बन जाएगा ये, इसलिए यहाँ पे आप कंसिडर कर लो सीट पे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ई वन प्लस ई थ्री ई टू माइनस ई फोर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से रिजल्टेंट आपका ई वन प्लस ई थ्री बराबर ई टू प्लस ई फोर, ठीक है, आप ई वन ई टू और ई थ्री की वैल्यू लिखो, ई वन क्या हो जाएगा, ई वन पे चार्ज कितना है, चार्ज क्या हो जाएगा सिग्मा वन लिख लो, या सिग्मा की फॉर्म में लिखो तो सिग्मा फॉर्म लिख लो, जैसे मैं कहूँ ई वन, ई वन क्या है क्यू बाई टू एप्सिलॉन, नीचे तो टू ए एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा क्यू वन माइनस एक्स, ई टू देखो एक्स अपॉन में टू ए एप्सिलॉन नोट, ई थ्री देखो माइनस एक्स अपॉन में, ये माइनस नहीं लेना है क्योंकि मैं माइनस के कारण ऑलरेडी डायरेक्शन इधर मान चुकी हूँ, ई थ्री की माइनस साइन था इसीलिए ई थ्री की डायरेक्शन इधर आई, इसलिए मैग्नीट्यूड में साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, ई फोर के कारण कितनी हो जाएगी क्यू टू प्लस एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इन सबको इस फील्ड में पुट कर दो, इतना समझ आया, कुछ नहीं करना, सारे एक सरफेस पे चार्ज एक्स मान लो, इस पे क्यू माइनस एक्स, पीछे प्रॉपर्टी अभी पड़ी है कि आमने सामने दो सरफेसेस पे सीट पे अगर एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे कैसे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये माइनस एक्स, तो इसमें क्यू टू माइनस एक्स, ठीक है, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट सीट के कारण, तो इस सरफेस पे चार्ज कितना था क्यू वन बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस पे चार्ज कितना था एक्स, इस पे माइनस एक्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस एक्स नहीं लिया क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी साइन के कारण माइनस एक्स ले चुकी हूँ, ठीक है, साइन कंसिडर कर चुकी हूँ, इसलिए क्यू टू प्लस एक्स कितना हो जाएगा टू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हो गया, अब इनको सबको पुट कर दो, इन सारी वैल्यूज को क्या करो पुट कर दो बेटा, तो क्या बनेगा आपके पास ई वन कितना है आपका क्यू वन माइनस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, ई टू कितना है एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई वन और ई टू लिख लेना पुटिंग द, इधर लिख देती हूँ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1, E2, E3 and E4 क्या बनेगा इन वन, इसको वन मान लो, इन है वन, Q1 माइनस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस Q2 प्लस एक्स बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, टू ए एप्सिलॉन नॉट से तो टू ए एप्सिलॉन नॉट थ्रू आउट है कैंसिल, क्या बचा Q1 माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस Q2 प्लस एक्स, ये x से x भी कैंसिल, तो Q1 माइनस एक्स Q2 प्लस एक्स, ठीक है, इसको इधर लियो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2x के, Q1 माइनस Q2 किसके बराबर हो जाएगा 2x के, ठीक है, तो x किसके बराबर हो जाएगा यहां से देखो इधर, एक्स इसके बराबर हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू, ठीक है, तो देखो एक्स पता लग गया था, सारे सरफेसेस पे क्या पता लग जाएगा आपको चार्ज, तो देखो इस सरफेस पे चार्ज इधर से लिख लिया सबने, ये सब हो गया राइट हो गया, तो देखो अब इस सरफेस पे जो चार्ज आया आपका, इस सरफेस पे चार्ज, ये दो सीट है तो इस सरफेस पे जो चार्ज आपका वो कितना Q1 माइनस एक्स, मैं सीट ही बना रही हूँ इधर, ये दो सीट है आपके पास, ठीक है, तो इस पे चार्ज है Q1 माइनस एक्स और इस पे कितना x और इस पे Q1 माइनस एक्स, इस पे कितना माइनस एक्स और इस पे कितना Q2 प्लस एक्स, तो Q1 माइनस एक्स कितना हो जाएगा Q1 माइनस एक्स, तो Q1 माइनस एक्स की वैल्यू रख दो Q1 माइनस Q2 बाई टू, इसको ले जाओ तो Q1 माइनस
बाई टू, इसको एलसीएम ले लो टू, टू क्यू वन माइनस क्यू वन, और ये माइनस अंदर जाएगा प्लस का क्यू टू, तो कितना बन जाएगा ये यहां से आपके पास, ये बना आपके पास क्यू वन माइनस एक्स, तो ये आया क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू, तो ये बना आपका टू क्यू वन माइनस का क्यू वन प्लस का क्यू टू, तो ये बना टू क्यू वन माइनस क्यू वन, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, तो क्यू वन माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। इसी तरह क्यू टू प्लस एक्स की वैल्यू देख लो, क्यू टू प्लस एक्स कितना है, क्यू वन माइनस क्यू टू बाई टू, टू एलसीएम, टू क्यू टू प्लस क्यू वन माइनस का टू क्यू टू, तो कितना बचा ये टू, सॉरी ये क्यू टू है ये, तो टू क्यू टू माइनस क्यू वन, तो कितना बचा क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, तो सारे सरफेस पे चार्ज आ गया। देखो इस सरफेस पे चार्ज कितना है एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है Q1 माइनस का Q2 बाई टू, इस पे कितना माइनस x, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा दो, माइनस Q1 माइनस Q2 बाई टू, ठीक है। Q1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, Q1 प्लस Q2 बाई टू, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी Q1, देखिए बेटा ये कितना है आपका इस सरफेस, तो इन दोनों जितना एक बात याद रखना इस क्वेश्चन में, इस सरफेस पे जितना चार्ज होगा बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्लेट डाल दे, जो लास्ट सरफेस होगा उसमें हमेशा चार्ज इतना ही होगा जितना इस पे होगा, और आमने सामने हमेशा चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। फिर से समझ लीजिए, ये चार्जेस थे आपके पास, सब सरफेस पे चार्ज कंसीडर कर लिया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता थी, सारे सरफेस पे हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। किसी भी पॉइंट पी को मान लो इनसाइड अ कनेक्टिंग सीट, और वहां से रिजल्टेंट फील्ड को निकाल लो, और रिजल्टेंट फील्ड के कारण वैल्यू पुट कर दो तो चार्ज निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, उस एक्स की पता लगी तो सारे सरफेसेस पे निकलने वाला चार्ज आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सीट के हर एक सरफेस पे चार्ज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जब तक जो पढ़ा है ना, वो सारी एक प्रॉपर्टी थी एक तरीके से, उन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं हम आईआईटी और नीट में आने वाले क्वेश्चन में, हो सकता है बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाए आपका। अब वो बोर्ड का एक छोटा सा क्वेश्चन करवाती हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक से, लॉन्ग मेथड यही रहेगा कि सारे सरफेसेस पे क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर दो एक पी पॉइंट पे और सोल्व कर लो। अब शॉर्ट ट्रिक बात कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे इसको। तो ये बन जाएगा आपके पास, तो देखो अब मैं एक बात बता रही थी आपको कि जितना इस सरफेस पे चार्ज आया उतना ही इस पे आएगा। जैसे मान लिया मैंने 10 सीट डाल दी, एक दो कितनी भी डाल दो बीच में, ठीक है, अगर इस पे चार्ज Q1 by 2 है तो इस पे भी कितना आएगा Q1 by 2, लास्ट में इन सबके कारण कट पिट के बचेगा ये, यहाँ बीच में चेंज हो जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इफ देर आर टू कंडक्टिंग सीट, इफ देर आर, क्वेश्चन लिख लो, इफ देर आर टू कंडक्टिंग सीट, वन हैव द चार्ज Q एंड अदर हैव द चार्ज 4Q, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द सरफेस, ठीक है। पहले मैं तीन ले लेती हूँ, इसकी बजाय भी मैं तीन ले लेती हूँ और जनरल डिस्कस कर लेती हूँ। पहले तीन सीट ले ली मैंने, ठीक है, और इन तीन सीट के कारण सारे सरफेसेस पे क्या निकालना, चार्ज, फाइंड द चार्ज टू द ईच सरफेस ऑफ द सीट, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, अब मैं इस लॉन्ग मेथड को नहीं करूंगी, इस मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लग जाऊंगी तो मैं पूरे दिन इसी को निकालती रहूंगी, जो ये अभी मेथड बताया। क्या करेंगे हमेशा कि अभी पहले परिचय प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक सीट पे चार्ज क्यू वन है तो दोनों सरफेसेस पे चार्ज हाफ अमाउंट पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसके इस सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा क्यू वन बाई टू, इस सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा Q1 by 2, दोनों सरफेस पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। अब देखो रूट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, रूट द कांसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके इस वाले सरफेस पे इस सीट के कितना आएगा माइनस Q1 by 2, यहाँ प्लस x होता तो यहाँ कितना होता माइनस x, ठीक है। पहले एक सीट के काम सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, यहाँ माइनस आ गया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस Q1 by 2,
यहाँ प्लस की वन बाई क्यू टू आया तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस सरफेस पे कितना आएगा माइनस क्यू वन बाई टू, फिर इस सरफेस पे कितना आएगा प्लस क्यू वन बाई टू। सब पे चार देखो, इस Q1 को मैंने सारी सीट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब Q2 को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मैं। Q2 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, देखो Q2 को, Q2 के दोनों सरफेसेस पे चार्ज Q2 बाई टू, Q2 बाई टू होगा। अगर इस सरफेस पे कैसा आया नेगेटिव, इस सरफेस पे कैसा होगा नेगेटिव, तो इस सरफेस पे कितना हो जाएगा पॉजिटिव, और इस सरफेस पे फिर से कितना हो जाएगा वो नेगेटिव, ठीक। क्योंकि इस आने से आने वाले दोनों सरफेस पे चार्ज क्या होंगे इक्वल एंड अपोजिट, कैसे होंगे चार्जेस अपोजिट होंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कैसा होगा माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ कैसा होगा माइनस, ये बताया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑफ सिमेट्री के कारण यहाँ ये माइनस का क्यू बाई टू आ चुका, तो इस सरफेस पे कितना आना चाहिए प्लस का क्यू वन बाई टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस का क्यू वन बाई टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा प्लस का क्यू वन बाई टू। सो ट्रिक्स हम ऐसे करेंगे, तो देखो इस q by 2 को पहले इधर डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ माइनस q by 2 तो यहाँ प्लस का q by 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा ये माइनस का q 2 by 2। यहाँ देख लो अब इस तरह से, इधर देखो ये q by 2 तो आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का q by 2, q 2 by 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का q 2 by 2, ठीक है। इसी तरीके से अगली सीट्स को भी क्या कर लो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगली सीट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पेन तो रख दिया अभी मैंने ग्रीन वाला, इसी तरह का देखो। सिमिलरली थर्ड सरफेस पे देखो, इस थर्ड सरफेस के कारण यहाँ पे कितना आया Q3 by 2, इस सरफेस पे भी कितना आ गया Q3 by 2, ठीक है। इस पे Q3 by 2 आया तो इस पे कितना आ जाएगा माइनस का Q3 by 2, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का Q3 by 2, यहाँ पे माइनस का Q3 by 2, यहाँ पे प्लस का Q3 by 2, ठीक है। तो सारे सरफेसेस पे चार्ज क्या करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। नहीं आया समझ में फिर से बताओ एक बार, तेरे को फिर से बताती हूँ। देखिए बेटा ये सीट है, दो सीट पे बताऊं, पहले पहले दो पे समझ लो, फिर तीसरी पे, चल तीन पे बता देती हूँ फटाफट। देखो ये Q1, ये आपका कितना था Q1, ये Q2 चार्ज था, ये Q3 चार्ज था, ठीक है। तो देखो इसके इस सरफेस पे Q1 by 2, इसके इस सरफेस पे Q1 by 2, इसके इस सरफेस पे Q2 by 2, इसके इस सरफेस पे Q2 by 2, इक्वली इक्वली अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद किसी को, ये पहली प्रॉपर्टी में बताया था पीछे कि सारे सरफेसेस से इक्वल इक्वल अमाउंट में चार्ज क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब देखो इस पे कितना आया Q1 by 2, तो इसके इस सरफेस पे कितना आएगा माइनस का Q1 by 2, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसके इस सरफेस पे कितना आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ फिर क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। तो Q1 का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब Q2 का कर दो, यहाँ प्लस का Q2 by 2 आ, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का Q2 by 2, ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले से मैं नेगेटिव गलत बोल गई थी, ये यहाँ ऐसे होगा कि यहाँ क्यों, क्योंकि दोनों सर्फेसिस पे तो चार्ज इक्वल अमाउंट में क्या होना डिस्ट्रीब्यूटेड होना है, तो यहाँ माइनस क्यू बाई टू, यहाँ पे भी कितना होगा माइनस का क्यू टू बाई टू। अब यहाँ प्लस क्यू टू बाई टू है तो यहाँ कितना आ जाएगा ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब Q3 को कर लो, Q3 को करोगे तो Q3 यहाँ पे कितना प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि बेटा जितना इस सरफेस पे चार्ज होगा उतना इस सरफेस पे चार्ज होगा, पहले इसी को चेक कर लो आपको आंसर समझ आ जाएगा। मैंने कहा था जितना इस पहले सरफेस पे चार्ज होगा लास्ट सरफेस पे उतना ही चार्ज होगा। देख लो टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं, टोटल वन सरफेस, ये टू सरफेस, ये थ्री सरफेस, ये फोर सरफेस, ये फाइव सरफेस, ये सिक्स सरफेस, तो टोटल क्यू ऑन वन सरफेस कितना होगा, देखो क्यू वन प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू टू बाई टू, सबके नीचे टू है, टोटल क्यू ऑन सिक्स सरफेस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री बाई टू, यही बताया था ना प्रॉपर्टी में, पीछे में भी यही आया था, यहाँ क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू आया था तो यहाँ पे भी कितना आया था क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, तो ये याद रखना। अब सारे सर्फेसिस को ऐड कर लो, टू सर्फेस पे देख लो कितना हो जाएगा क्यू वन माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू टू बाई टू। अब थ्री सर्फेस पे देख लो, थ्री पे कितना हो जाएगा क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस
Q2 माइनस Q1 बाई टू, ठीक है। इस तरह से अगर वो कुछ भी दे, जैसे ये Q1 को 4 कूलाम दे दे, Q2 को वो 3 कूलाम दे दे, Q3 को वो 2 कूलाम दे दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। फिर से समझ लीजिए, सारे चार्जेज को पहली प्रॉपर्टी थी कि एक सीट पे चार्ज Q है, तो दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों सरफेसेस पे चार्ज इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर, जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। फिर क्या याद रखेंगे कि इस सरफेस, आमने सामने सरफेसेस पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अगर इस सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, उल्टा आएगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लगेगा कंसेप्ट कि यहाँ नेगेटिव आ चुका, इसके कारण यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आ चुका, तो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ कैसा आएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ कैसा आएगा नेगेटिव, फिर यहाँ कैसा आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हमारे पास 20 सीट भी रहते तो हम उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन इसी मेथड से करेंगे, ना कि लॉन्ग मेथड से जो कि मैंने पहले सीखा है, वो सिर्फ समझने के था कि हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, शॉर्ट मेथड हम इसी तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस करूंगी, और सॉलिड एंगल क्या होता है उसको मैं वहां पे डिस्कस करूंगी। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही।